गया कि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कह दिया कि आपको तो मंत्री पद से हटाया गया था, इस वजह से आप ये सब बोल रहे हैं, आपको आप पर तो खुद दाग लगे हुए हैं। देखिए, मनु सिंघवी ने कहा कि साहब वॉलकर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नटवर सिंह नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी है और यूनाइटेड की भाषा में इसका माने करप्ट। तो वॉलकर रिपोर्ट में कांग्रेस का भी नाम है, तो उन्होंने कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब मुझे दें कि कांग्रेस भी तो है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिशियरी। दूसरे, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कुछ महीने हुए सिंघवी साहब एक कन्या के साथ अपने कमरे में कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए किसी अच्छे आदमी को। अच्छा, वो सारा वीडियो पर है, तो सारे हिंदुस्तान ने देखा है। तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि सिंघवी जी उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। उससे आपके आपके ऊपर लगे दाग का क्या मतलब? मुझे कह दिया करप्ट है आप, क्या प्रूफ है आपके पास? और जब ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस भी तो शाह क्यों नहीं लिया आपने कांग्रेस का नाम, तो आप कौन से पैगंबर हैं? उस वक्त तो बचाव किया गया था आपका। कहां पे? पीएमओ की तरफ से स्टेटमेंट था क्या कि नटवर सिंह जी ने जो, क्या जो नाम जिस तरह से आया है वो उसको वी स्टैंड बाय हिम। तो फिर दो हफ्ते बाद बदल गए और मेरे पर छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी, मीडिया छोड़ दिया, सरकार छोड़ दी, इतना हमको परेशान किया कि 8-10 साल हमारी जिंदगी का इसी में गए। जिम्मेदार कौन है? मैंने इतनी सेवा की है कांग्रेस की और इस परिवार के साथ सन 44 से लेकर इनके परिवार को मैं जानता हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि जब ये रिपोर्ट आई, मैं तो था नहीं हिंदुस्तान में, मैं था रूस में अपने फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से, और जब आया तो मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। पहले मैंने सोचा मैं जाऊँ न्यूयॉर्क चला जाऊँ उनको कहने के, मैंने क्या फ़ायदा, कुछ है तो नहीं, मैं दिल्ली जाऊँगा और बताऊँगा इसके लिए। इतने में साहब वो आ गई एक ईमेल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की कि कांग्रेस के हाथ पर साहब है, नटवर सिंह अपनी देखभाल कर ले। मुझे बड़ा गुस्सा आया, कहेंगे आउटरीजस भाई, कम से कम ये तो कहते थे इतने दिन से जानते हैं हमें कांग्रेस अध्यक्ष है, नटवर सिंह ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो जो बयान दिया गया स्पोक्स पर्सन का, वो बिना उनके अनुसार तो दिया नहीं था, तो इसलिए मैं तो गया नहीं, वापस आया और ना उन्हें बुलाया। बुलाना चाहिए था कि भाई बताओ नटवर क्या हुआ है, मैंने बुलाया। आपसे कोई बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई 8 बरस तक, जब से वो खुलासा हुआ या जब से वो खबर आई और वो स्टेटमेंट आया स्पोक्समैन की तरफ से, तब से लेके 8 बरस तक आपसे सीधी कोई बात नहीं हुई? इस बारे में कोई बात नहीं। दूसरे मामलों में हुई? नहीं, एक दफे बीच में गया था किसी को, जो इंदिरा गांधी ट्रस्ट का मैं वाइस चेयरमैन, वो चेयरमैन थी और नेहरू फंड का, तो उसके बाद में थोड़ी चर्चा हुई थी, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की थी मैंने। कोई इसको हो गए 5-6 साल, 4-5 साल हो गए। आपने भी खुद पूछना जरूरी नहीं समझा कि बिल्कुल किस लिए? मैं बड़ा स्वाभिमान्य आदमी हूँ और अखड़ आदमी भी हूँ। लेकिन आप मंत्री पद पर तो बने हुए थे, विदाउट पोर्टफोलियो भी बने हुए थे। नहीं, बना बता दिया था मुझे, फिर उन्होंने हटा दिया। लेकिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आपके समर्थन में स्टेटमेंट आया, जो आपने कहा कि 2 हफ्ते में बदल गया, वो स्टेटमेंट भी तो फिर सोनिया गांधी ने ही दिलवाया होगा, अगर आप कह रहे हैं सब कुछ दिलवाया होगा। पर क्यों, जब बदल गई, कोई इसकी कोई इंटरव्यू आई थी इंडिया टुडे में, उसके बाद सब बदल गए। नटवर सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट लिए, कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट लिए, और पाठक साहब ने तो उन्होंने कहा था नटवर सिंह ने तो गलत काम किया नहीं, एक कौड़ी नहीं ली इन्होंने पर्सनल बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट। उसके बावजूद हमको रगड़ा गया 8 साल तक, भाई कांग्रेस का भी नाम था उसमें। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने मुझसे कहा मेरे बहुत दबाव है कि आपको जेल भेज दिया जाए, और मैं कैसे कहूँ जब आपने लिया ही नहीं है, और उन्होंने कांग्रेस को तो बरी कर दिया कि मुझे पता नहीं नाम कैसे आया। तो आप किस मर्ज की दवा है? पाठक साहब ने आपसे खुद कहा? हाँ, खुद कहा। उनके ऊपर किसका दबाव लगता है? पावर दैट बी, मेरा दबाव तो नहीं था।
और मैं पाड़ा साहब जानता हूँ, जब ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमारे मेंबर थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनके देहांत हो गया तो पाठक साहब मेरे साथ आए, कहे नरेंद्र सिंह जी, मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट था कि आप मेरी मदद करिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा भाई अगर आप ठीक समझते तो करो, तो हमने करा दिया इनको इलेक्ट। और उसके बाद हमेशा कहते थे भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हूँ नहीं हूँ। मगर जब ये उनसे बातचीत हुई हो कॉन्फिडेंशियल, वो सारे दिन दूसरे दिन अखबार में और टेलीविजन में, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने पूछा था कि साहब जो डॉक्यूमेंट वीरेंद्र दयाल साहब लाए हैं न्यूयॉर्क से, उनको दिखाया क्यों नहीं है? क्या नटवर सिंह, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आज तक नहीं दिखाया गया है, क्या कारण है? और सारे कागज तो दिखा दिए, ये नहीं दिखाए। RTI भी डाली गई थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम यूनाइटेड नेशन के कागजों में है कि 1997 से कांग्रेस और भीम सिंह साहब इसमें लगे हुए हैं, मेरा नाम तो नहीं था। अरे हमारे एम्बेसडर ने 28 जनवरी 2004 को चिट्ठी लिखी फॉरेन सेक्रेटरी को, भाई ये आया खबर आई है, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये आप कह रहे हैं कि पाठक साहब ने भी आपसे कहा कि आप उनके ऊपर दबाव है, पर यह भी तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि आपकी इंक्वायरी ऐसे जज से हो रही थी जो आपके शुक्रगुजार रहे हैं पुराने। शुक्रगुजार नहीं, बड़ा संबंध अच्छा था भाई, कोई काबिल आदमी है, मैंने मानना दिया, चीफ जस्टिस रह चुके हैं आके, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे खत का जवाब ही नहीं देंगे। मैंने जब लिखा साहब ये आपके साथ बातचीत हो रही है खुफिया तौर से और वो दूसरे दिन आ रही है टेलीविजन पर और अखबार में, तो लीक कहाँ से हो रहा है, आप ही कहाँ से हो रहा है, जवाब नहीं दिया पर खत का। ये आरोप लगता रहा कि FIR तक नहीं दर्ज हुई आपको बचाने के लिए। किसने? ED की तरफ से या कोई भी, कोई प्रिलिटरी FIR तक दर्ज नहीं की गई? अरे तो चार्जशीट तो लगा दिया, पाठक साहब ने कहा कि बरी कर दिया, चार्जशीट लगा दिया, किस लिए? ED को हमारे पीछे छोड़ दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया, हमारे यहाँ पूरी टीम बाहर गई देखने के, नटवर सिंह का मकान है लंदन में, जेनीवा अकाउंटेंट, जॉर्डन से कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली क्योंकि कुछ FIR नहीं थी, उन्होंने कहा FIR नहीं है। नहीं, फिर वहाँ गए साहब जेनीवा अकाउंट के, उन्होंने कहा साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं भी इन लोगों को जानता था रो वगैरह के, उन्होंने कहा सर क्या करें, है तो नहीं कुछ हमारे आपके बीच बढ़ गए खत्म। BJP का बड़ा दबाव था उस वक्त, अरुण जेटली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था एक दिन नटवर सिंह साहब को विदेश मंत्री नहीं रहना चाहिए, अब जेल चले जाना चाहिए। हाँ। साहब अब वो बड़ा अफसोस करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। अफसोस करते हैं आप? हाँ और क्या। आपने तब कहा कि वो उनकी जो इलेक्शन में हार हुई है बीजेपी की, इस वजह से बीजेपी ये सब बातें कर रही है। बाकी तो कह रहे हैं साहब ये तो नरेंद्र मोदी। और आप ABP News पर मेरे सहयोगी किशोर राजवानी के साथ नटवर सिंह को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। और नटवर सिंह जो कि अपनी किताब जो उनकी आने वाली है वन लाइफ इज नॉट इनफ को लेकर खासा चर्चा पे हैं, उसी को लेकर उनसे बातचीत हो रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं।